Assalamualaikum guys, welcome back to the new vlog. और जैसा कि आप लोगों ने मेरी बोया बाय MM1 की अनबॉक्सिंग की वीडियो तो देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जाके चेक करें। वैसे बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी, मेटल में था वो माइक, लेकिन उसमें शोर पता नहीं क्यों था, या तो उसकी वायर की वजह से था या कोई और वजह थी। मैंने उसको DSLR में भी चेक किया था, फिर उसके बाद मैंने उसको अपने एंड्रॉयड में भी लगा के देखा था, फिर मैंने उसको अपने आईफोन में भी लगा के चेक किया था। मैंने बेसिकली वो माइक आईफोन के लिए मंगवाया था क्योंकि मेरी वीडियोज़ की वॉइस क्वालिटी बहुत ही थकी हुई होती है, यहाँ बाहर शोर बहुत हो रहा होता है, गाड़ियों का शोर और AC वगैरह बला बला क्या था। तो मैंने दूसरा माइक ऑर्डर किया हुआ था, वो मेरा पहुँच गया है नून लॉकर के अंदर, तो चलते हैं जल्दी से उसे पिक करते हैं और फिर उसका आके रिव्यू देता हूँ। सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। तो चलें जी, मुझे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मोबाइल में कोड है, होल्ड करो। इतने से पार्सल के लिए और इतना बड़ा गेट खोल दिया है ना। तो जी, ये मेरा एक पार्सल मैंने मंगवाया था नून से, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और देख, ये भी एक एक्सटर्नल माइक है, जो पहला मैंने मंगवाया था वो मुझे पसंद नहीं आया, उसके बाद फिर ये दूसरा ऑर्डर किया था, ये पहुंच चुका है। इसको खोलते हैं और फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं। बहुत ही छोटा सा है, वायरलेस माइक्रोफोन, लाइटनिंग, रॉक का रॉक पाओ। तो चलें इसे खोलते हैं और फिर इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो ये है जी मेरा नया वायरलेस माइक रॉक पाओ का, जो कि डायरेक्ट आईफोन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इसके साथ। इसके अंदर मौजूद है ये एक वायरलेस माइक छोटा सा, जो टाइप सी मोबाइल चार्जिंग के साथ है। इसके साथ मौजूद है एक चार्जिंग केबल USB टाइप सी में, और ये इसका कनेक्टर है आईफोन के साथ, मोबाइल के साथ लग जाएगा। उसके साथ इन्होंने ये जो कनेक्टर दिया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए आई थिंक आईफोन की। इसके अंदर ये एक मैनुअल है। तो चलें इसको कनेक्ट करते हैं अपने माइक के साथ, मोबाइल के साथ, और फिर इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं। तो जनाब, मैं इस वक्त कर रहा हूँ इसके नए माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे इस कमरे में AC भी बंद है और फ़ैन भी बंद है। मैं आपको थोड़े दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ, उधर मैंने AC और फ़ैन दोनों ऑन किए हुए हैं। देखते हैं ये माइक, न्यू माइक एक्सटर्नल, वॉइस कैंसिलेशन AC की और फ़ैन की करता है या नहीं। तो चलें चलते हैं दूसरे कमरे। तो जी, मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे कमरे के अंदर। यहाँ पर फ़ैन भी चल रहा है और AC भी चल रहा है, और ये मेरे इस कमरे में विंडो AC लगा हुआ है जिसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं बिल्कुल AC के करीब हूँ, देखते हैं इसकी आवाज़ आती है या नहीं। मैं आ गया हूँ घर से बाहर और मौसम बहुत आशिकाना और बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। अभी टेम्परेचर है 36, फील्स लाइक 37, पूरे बादल हैं आज मक्के में, बारिश ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन क्या पता होती है, बहुत कम। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी उसको तकरीबन 8-9 महीने गुजर चुके हैं। मैं बाहर आया हूँ
न्यू माइक की टेस्टिंग करने के लिए देख रहे हैं। फुल ट्रैफिक चल रहा है, फुल ऑन बिल्कुल। अब इसकी देखते हैं वॉइस क्वालिटी। मुझे बस यही चाहिए कि ये जो ट्रैफिक की वॉइस है ना, उसको कंट्रोल कर लूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर अपने टेबल पे और फिर बाकी की बातें करते हैं उधर। तो आप लोगों ने देखा और अच्छी तरह से सुना भी, मैंने इस माइक की टेस्टिंग आउटडोर और इंडोर रूम के अंदर विद एसी और विद फैन के साथ टेस्टिंग भी की। मुझे तो पर्सनली इस माइक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी और इसकी नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छी है। जब मैं रोड पे कुछ वीडियो बना रहा था तो गाड़ियाँ बहुत स्पीड से गुजर रही थी मेरे बराबर से, तो उसकी आवाज़ भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और जब मैं रूम में बना रहा था, फैन और एसी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। इसके बजाय जब मैं बोया बाय MM1 से वीडियो बना रहा था तो उसकी नॉइज़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं एसी की आवाज़ उस माइक से क्लियरली सुन सकता था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।